प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वो 2 अक्टूबर को मेला मैदान पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं अब पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस पीएम मोदी के दौरे पर तंज कस रही है, तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल का चेहरा है। वाइड देखिए, मोदी जी एक नेशनल लीडर हैं, उनका स्टेट के इलेक्शंस में फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ये कर्नाटका में भी हमको समझ आ गया, हिमाचल में भी समझ आ गया, बारीक गुजरात जो उनका होम स्टेट है। तो हमको नहीं लगता कि मोदी जी के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, लीडर हैं इस पार्टी के। मगर उनके कितना भी प्रयास कर लें, ये लोकल जो इश्यूज हैं, जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो उनको पीछा नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस को पीएम मोदी के दौरे से डर है। अब की बार कांग्रेस पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाली है, इसीलिए वह कुछ भी बयानबाजी कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ग्वालियर में आएंगे, ग्वालियर के लिए सौभाग्य है। वो हजारों पीएम आवास में क्वार्टर बने हैं, उनका आवंटन करेंगे। तो फिर काय के लिए चिंता कर रहे हैं, वो टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ना। उन्हें मालूम है कि मोदी जी के आने के बाद सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का। मैं बीजेपी कोई नहीं घबराई हुई, बीजेपी तो हमेशा ही अपना काम करती है।